तो इससे अगले पार्ट में हमने पढ़ी थी स्वर संधि, और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत कुछ नियम है, ये से नियम लिखा है, उसके अंतर्गत व्यंजन संधि को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। व्यंजन संधि को पूरे उदाहरण के साथ ये से नियमों में पूरा कंप्लीट किया गया है। तो व्यंजन संधि के देखिए कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ग, किसी वर्ग का वर्ग होता है ना, क वर्ग स वर्ग, ये इसमें क वर्ग, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी वर्ण का, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का यदि तीसरे सौते वर्ण या उसी उसी के, ऐसे क है क वर्ग है, क वर्ग के ये तीसरा ग गया और सौता ग, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी के तीसरे वर्ण या सौते वर्ण, तीसरे सौते वर्ण या य र ल व या किसी स्वर से हो, इससे मेल हो, किसी वर्ग के पहले वर्ण का या तो उसके तीसरे सौते वर्ण से या फिर य र ल व से या स्वर से मेल हो, तो उसी का तीसरा हो जाएगा। अब उसी वर्ण का तीसरा हो जाएगा, तो देखिए कैसे उदाहरण में आपको समझ में आएगा। जैसे जगदीश, जगदीश का ये संधि विशेष किया जगत धन ईश, तो देखिए ये त वर्ग है, त वर्ग का ये देखिए त वर्ग का यहां हो गया तीसरा हो गया, त वर्ग का त थ और द, ये देखिए यहां तीसरा हो गया, ये स्वर सेवा किसी वर्ग का पहला, ये त पहला हो गया, किसी मेल, मेल किससे हुआ, यहां से स्वर से हुआ, स्वर ई स्वर से हुआ, तो देखिए यहां से जो मेल हुआ है स्वर से, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, त वर्ग है, त वर्ग का तीसरा कौन सा हो गया द, तो इसमें द में बदल गया, ये हो गया जगदीश। उसी से आगे दूसरा नियम क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, ये इसमें प्रथम वर्ण था, इसमें भी प्रथम वर्ण का मेल न या म से हो, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है उसका मेल है या तो न से हो या म से हो, तो उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन, किसी वर्ग का मेल, वर्ग के पहले वर्ण का मेल अगर दूसरे नियम में न और म से हो तो उसी का पांचवा व्यंजन हो जाएगा। जैसे जगत धन ईश, ये जगन्नाथ का संधि विशेष है, जगन्नाथ का, तो ये त है यहाँ, ये त वर्ग है, त वर्ग का पहला, यहाँ से ये किसी वर्ग का प्रथम, ये प्रथम आया त वर्ग का, और न से मेल, यहाँ से देखिए न यम, यहाँ से न से मेल हुआ, तो क्या हो जाएगा उसी वर्ग का पांचवा, तो देखिए पांचवा क्या है त थ द जगन्नाथ, तो देखिए न है इसमें उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाएगा। तो देखिए जगन्नाथ में देखिए जगत धन नाथ इसमें हो गया ना, ये पांचवा देखिए त त वर्ग का पांचवा कौन सा होता है द, द न, ये देखिए न हो गया और आधा न है जो ये बीच में, क्योंकि यहां से त आधा था ठीक है, इसीलिए आधा न हो गया और ना ये था जगन्नाथ बन गया। उसी से अगले में देखिए तीसरा नियम क्या है, यदि त का मेल, यदि त हो किसी के अंतिम में संधि विशेष के समय त का मेल ह के साथ हो तो ये त बन जाएगा, तथा त व ह को हटा दिया जाएगा, तो त का मेल ह से हो अगर तो त का क्या बन जाएगा ध बन जाएगा, तथा त व ह दोनों को हटा दिया जाएगा। जैसे क्या उद्धार, उद्धार का संधि का उत्तर धन धार, ये त है, त का मेल आ से हो रहा है ह से, तो यहां से देखिए त है वो किसमें बदल जाएगा त ध में बदल गया और त और यहां से हटा दिए जाएंगे तो ये हट गए उद्धार बन गया। उसी से अगला देखिए सौता क्या है, उपयुक्त तीनों नियमों में से न लेने पर त का कोई भी व्यंजन, ये तीन नियम है इसी में से कोई भी नियम यदि नहीं लगता है तो त का मेल अगर त का अगर कोई मेल व्यंजन से हो और उपयुक्त कोई भी तीन नियम नहीं लगते हैं तो क्या हो जाएगा त व्यंजन डबल हो जाएगा। देखिए डबल कैसे हो जाएगा, उसी व्यंजन का डबल हो जाएगा अगर ये तीनों नहीं लगते और त का मेल कोई भी व्यंजन से हो रहा है और ये तीनों नियम नहीं लगते उपयुक्त, ये तीनों तो पहला दूसरा तीसरा, तो क्या होगा त है ना, त है जो
जिससे मिलेगा ना व्यंजन डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे जगत धन चरित्र किसा है, सॉरी जगत नहीं है, सत धन चरित्र, ये क्या सत चरित्र, इसका संधि विशेष है। तो देखिए सत यहां से त का मेल किससे हुआ, स से, और उपयुक्त में से ये तीनों में से किसी में से नहीं है नियम। तो देखिए यहां से क्या हुआ, ये स डबल हो जाएगा, क्या जिससे मेल और डबल, तो यहां से देखिए सत चरित्र कुछ भी नहीं, ये डबल हो जाएगा। और पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम देखिए, यदि म का मेल, यदि म का मेल कोई भी व्यंजन से हो तो म हटाकर बिंदी लग जाएगी। यदि म का मेल किसी व्यंजन से हो, म का मेल म प्लस कोई व्यंजन हो, वहां पर क्या होगा, म को हटा दिया जाएगा तथा वहां बिंदी लग जाएगी अगले पास जैसे हो जाएगा। जैसे देखिए उधर संगम का संधि विशेष क्या है, सम धन गम, तो देखिए संगम का संधि विशेष है सम धन गम, इसमें संगम में यहां से म है, म का मेल किसी अन्य व्यंजन से हो रहा है ग से, तो यहाँ से देखिए म को हटा दिया है, अगले पर बिंदी लग गई, अगला पहुंचा है सर, इस पर बिंदी संगम बन गया। और इसी का है सका नियम, यदि कोई स्वर या व्यंजन, यदि किसी स्वर या व्यंजन का मेल है वो स से हो जाए, स्वर या व्यंजन मेल इस स से हो जाए तो क्या होगा, उससे पहले ये आधा स लग जाएगा। यहाँ से देखिए इस स से हो जाए किसी का मेल स्वर या व्यंजन कोई भी हो तो उससे पहले क्या है, उसको हटाया नहीं जाएगा, ठीक है, उसी के बीच में ये लग जाएगा आधा स लग जाएगा। देखिए जैसे ये अनुच्छेद, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या है, अनुधनच्छेद, तो देखिए यहाँ से ये क्या है अनु, यहाँ स्वर आए प्लस यहाँ से स, इस से मेल हो रहा है तो क्या है अनु, ये रहेगा बीच में सीधा रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं है, और ये सिर्फ ये बदलाव ये च है, कुछ भी हटा नहीं है, एड करना आधा च। तो इस नियमों में मेरे हिसाब से ये पूरी व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है, और अगली हम पढ़ने वाले विसर्ग संधि जो अगले पार्ट में पढ़ेंगे।